बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हान व तआला। यस्टरडे वी हैव स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1 एंड और हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर लिया था। आई होप कि आपने वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे और उन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 9.1। And question number 4 is, find hypotenuse of right isosceles triangle whose legs are 8 cm. कल भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि जो आपके पास लेग्स होती है वो हम उसको ए और बी ले लेते हैं। अब फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब है सी फाइंड करना होगा। अगर मैं एक रफ स्केच बनाऊँ फिगर का, क्योंकि राइट आइसोसलीज है, इसका हुज लेग्स, हम इसको अगर एक को ए कह दें, एक को बी और एक को सी, ठीक है, दिस इज़ हाइपोटेन्यूज बेस एंड ऑल्टीट्यूड। अब ए हमारे पास ये और दोनों लेग्स हैं, ये भी 8 cm है, बी भी हमारे पास 8 cm, और सी हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन हमारे पास ए, दिस इज 8 cm, बी दिस इज 8 cm, एंड सी जो कि हाइपोटेन्यूज है आपने फाइंड करना है, ठीक है जी। By using Pythagoras theorem, जी हमारे पास क्या होता है, सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। सी स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा, ए हमारे पास 8 का होल स्केयर प्लस 8 का होल स्केयर, दिस इज 64 प्लस 64, दिस इज़ 128। हाँ, सी स्केयर है तो हमने सी फाइंड करना है, स्केयर हमें ज़रूरत नहीं है। तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, सी स्केयर इज इक्वल टू 128, कैंसिल हो गया, दिस इज सी। ब्रेक कर लेते हैं 128 को 2 से, 2 6 are 12, 2 4 are, 2 3 are, 2 are, 2 1 are, 2 6 are, 2 8 are, 2 4 are, 2 2 are, 2 1 are, ठीक है जी। ये हमने ब्रेक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ राइट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। टू पेयर बना लेंगे, टू का स्केयर और एक टू आपका सेपरेट है। अब ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो रहे हैं और ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो क्या पता है, 2 2 4, 4 2 8, यानी सी इज इक्वल टू 8 √2 cm, और सी क्या था हमारा, हाइपोटेन्यूज। तो आप लिख लें इज इक्वल टू 8 √2 cm, दिस इज योर आंसर। क्लियर बच्चों? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ़ द नंबर्स रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, विच ट्राइंगल्स आर राइट ट्राइंगल। फर्स्ट पार्ट है 3 4 5। हम यूज़ तो बेटा जब हमें फाइंड बताना होता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, तो उसका सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो हम ग्रेटर यूजिंग तो यूज़ तो हम पाइथागोरस थ्योरम में करेंगे, लेकिन अब यहाँ हमें ये नहीं पता हमारी लेंथ कौन सी है और हाइपोटेन्यूज कौन सी है, ठीक है। तो हमेशा हम हाइपोटेन्यूज ग्रेटर टर्म जो आ रही होती है, ग्रेटर वैल्यू जो आ रही होती है, हम वो लेते हैं। अब अगर आप यहाँ चेक करें तो ग्रेटर टर्म क्या आ रही है, 5, तो ये हमारा 5 क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। यहाँ एक और चीज़ बताऊँगी कि ज़ाहिर है हमें ए बी सी तीनों चीज़ें यहाँ गिवन होती है, यहाँ पर अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है, और अगर इक्वल ना है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होती। क्लियर? स्टार्ट करते हैं।
अब ए यानी 3 और 4 आप लेग्स ले लें और 5 हाइपोटेन्यूज यानी कि सी ले लें, ठीक है जी। लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4 एंड सी इज इक्वल टू 5, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैल्यूज की पुटिंग करते हैं। सी सी हमारे पास 5 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, सॉल्व करते हैं 25 9 प्लस 16, ठीक है जी। 25 एज इट इज़, 9 प्लस 16 करें दिस इज़ 25। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है, इसका मतलब है ये जो हमें साइड्स गिवन थी इसका मतलब है ये लेस ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है। आप लिख लें सो इट्स प्रूव दैट दीज 3 साइड्स साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर राइट एंड राइट ट्राइंगल, ठीक है जी। ये आपने लास्ट में स्टेटमेंट मस्ट राइट कर दी है कि सो इट इज़ इट्स प्रूव दैट दीज 3 साइड, कौन सी 3 साइड, ये जो आपके पास थी साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर राइट ट्राइंगल, क्लियर बच्चों। अब इसके जो पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 है वो अब आप खुद करेंगे। पार्ट नंबर 2 में 9, 17 और 25 है, तो यहाँ पे आपके पास जो सी है यानी हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 25, ठीक है। और पार्ट नंबर 3 भी ऐसे ही करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस, लेकिन आपके पास सी यहाँ क्या होगा 61, क्योंकि 61 इस टाइम सबसे ग्रेटर है, और 11 और 60 आपकी साइड्स हो जाएंगी यानी ए और बी, ठीक है जी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल एट सी, यानी राइट एंगल ट्राइंगल किस पॉइंट पे बन रही है, सी पे। पहले हम यहाँ पे राइट ट्राइंगल बना लेते हैं ऐसे। अब किस एंगल पे राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है वो किस पे बन रहा है, एट पॉइंट सी, ठीक है। और ना बाकी नेम्स क्या है, ए बी सी, तो एक हम यहाँ ए कर देते हैं और यहाँ बी कर देते हैं, क्लियर जी। अब वो कह रहे हैं ए सी इज़ 9 सेंटीमीटर, ए सी कौन सा वाला है, ये जो ए सी है दिस इज़ 9 सेंटीमीटर, बी सी दिस इज़ 12 सेंटीमीटर, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, ए बी आपने फाइंड करना है, ठीक है जी। यहाँ पे अब आप स्मॉल नेम भी लिख सकते हैं, जैसे कैसे यहाँ सी कैपिटल है तो इसके ऑपोजिट ये चीज़ आ रही है, तो यहाँ स्मॉल सी राइट कर लें, ठीक है जी। यहाँ बी है तो बी के ऑपोजिट ये है, तो यहाँ स्मॉल बी राइट कर लें। यहाँ ए है कैपिटल तो इसके ऑपोजिट ये है, ये स्मॉल ए कर लें, ठीक है, क्योंकि आप ए बी सी में पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपको ऐसे ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब हम स्टार्ट करते हैं जी, बाय हमारे पास गिवन क्या क्या है, और अगर आप ए बी सी में भी करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपको आसानी लगती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अब ए क्या है 12 सेंटीमीटर, बी है 9 सेंटीमीटर, और सी जो कि हाइपोटेन्यूज है आपने फाइंड करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जी। क्या होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सी एज इट इज आएगा, ए है आपके पास 12 का होल स्क्वायर प्लस बी है 9 का होल स्क्वायर, दिस इज 144 प्लस 81, सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास 4 एंड 5 2 एंड 2, ये आ गया सी स्क्वायर, ठीक है जी। अब हम taking on both sides
कैंसिल हो गया। सी इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करें 225 को, तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट अंडर रूट ले लें तो हमारे पास आ जाता है 15 सेंटीमीटर। और हाइपोटेन्यूज को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ था, ये था हाइपोटेन्यूज, दिस इज ए बी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी, ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर। क्लियर बच्चों, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। नोट डाउन योर डायरी, एक्सरसाइज नंबर 9.1, क्वेश्चन नंबर यही क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया है 4-6, दिस इज़ योर होमवर्क। ठीक है बेटा, आई होप कि आप ये होमवर्क भी करेंगे और आपको इंशाल्लाह मज़ीद अगर जो क्वेश्चन जो मैंने नहीं करवाए जो पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 5 के, वो भी उनमें भी कोई मुश्किल नहीं होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।